दीदी अरे नहीं जिंदा है तूने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी उसे मारने में अपने और पराए का भेद जाने भी रखते हैं समझा इसलिए तो समाज को तली मात्र
अभी तक आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन पे हाथ उठाया तो मैं मार बेटी के रिश्ते की सारी सीमाएं तोड़ दूंगा। आने दे तेरे पिताजी को, मैं तुझसे बात करूंगी। क्यों सुनाई भाई को? सूरज मैं बात कर दूंगा। सूरज ये तो क्या बोल रहा है? बोलने वाली नहीं बोलूंगा। सूरज सुन लिया अभी तुझे, किस माँ ने तुझे पैदा किया पाला पोसा, उस माँ से ऐसी बात है? अरे नारायण माँ क्या होती है? ये तो उससे पूछ जिसकी कोई माँ नहीं है। उन्हें हक है हमें मारने का, हमें सजा देने का, लेकिन हमें उनका अपमान करने का कोई हक नहीं है। माँ हमारी माँ है। माँ तुम्हारी कोई टीम देखी नहीं है में एक हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। है क्यों? मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, मैं एक फौजी हूं और एक फौजी दो चीजें बहुत जम के करता है, एक तो वार और दूसरा प्यार। मुझे तुम पसंद हो, अब रहा तुम्हारा फैसला, वो तुम्हारे हाथ में है। क्या आपकी आंखों में आंसू? देखिए आंसुओं की कोई रंग नहीं होते हैं, जब तक बताया ना जाए पता नहीं चलता कि वो दुख के हैं या खुशी के। अरे ये क्या,
आप लोग बातें करते रहोगे या मिठाई भी खाओगे? ये वो मीठी चाय जो पी ली वो नहीं, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, आपको मिठाई तो खानी पड़ेगी। प्लीज प्लीज प्लीज, अब ये मिठाई की मिठास खत्म होने से पहले मुहूर्त निकलना चाहिए।